नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज बात करेंगे एच अल्फाबेटिकल लेटर का और एक महत्वपूर्ण दवाई जिसका नाम है हाइड्रास्टिस। जी हां दोस्तों, इस दवाई के बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बहुत बार जिक्र किया है, वो चाहे लीवर का केस हो, कैंसर का केस हो, साइनोसाइटिस का केस हो, इस तरह के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जानलेवा जो बीमारियां होती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है हाइड्रास्टिस। लीवर के लिए आज तक जो सबसे महत्वपूर्ण दवाइयां यूज होती थी वो है चेलिडोनियम, लाइकोपोडियम, कारस मेरानस, ये सारी दवाइयां यूज होती थी। लेकिन मैंने जो लीवर का 5 टॉप क्लास जो होम्योपैथिक मदर टिंचर शुरू किया है उसको इस्तेमाल करने के बाद इतना बहुत बढ़िया जो रिजल्ट मिला है आप यकीन नहीं कर सकते। वो चाहे लीवर का केस हो, कोई भी तरह का कैंसर का केस हो, लीवर के केसेस में आता है जैसे कि आपका सिरोसिस ऑफ लीवर है, लीवर जो कैंसर भी हो सकता है, उसमें इरोजन हो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो लीवर से रिलेटेड, जॉन्डिस, हेपाटाइटिस, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैंसर से रिलेटेड, चाहे कोलोन का कैंसर हो, चाहे स्टमक का कैंसर हो, किसी भी तरह जीआई ट्रैक्ट का कैंसर हो, अगर वो शुरुआती दौर में है तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है ये हाइड्रास्टिस दवाई, खास करके अगर हम इसको मदर टिंचर में यूज करें। जी हाँ दोस्तों, गोल्डन सील करके जो प्लांट आता है उसको पीस करके उसके मदर टिंचर के बनाया जाता है, ये सबसे कॉस्टली मेडिसिन भी होता है। आप अगर पता करेंगे तो बहुत ही कॉस्टली होता है हाइड्रास्टिस क्यूब दूसरे दवाइयों के कंपैरिजन में, फिर भी ये क्योंकि जानलेवा बीमारियों से हमें बचा सकता है, इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, खास करके कैंसर वाले जो पेशेंट होते हैं। हमने देखा है अगर वो शुरुआती दौर में है तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया उसका रिजल्ट है, साथ ही साथ दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी उनको दिया जाता है। लेकिन हाँ, जो प्री कैंसरस स्टेज के साथ साथ अगर किसी को कैंसर होके पूरा एडवांस स्टेज में पहुंच गया है तो उस एडवांस स्टेज के लिए भी जो दर्द होता है, जो पेन होता है, जो वो चाहे केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के कारण हो, दूसरे किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम होता है जो पेन को रिलीव करने के लिए मदद करता है यह हाइड्रास्टिस क्यूब, अगर आप उसको 10-10, 20-20 बूंद हम दिन में 3-4 बार करके थोड़े से पानी में मिलाकर दें, उसका दर्द फटाफट से उसको रिलीफ मिल जाएगा। हमने अपने क्लिनिकल रिजल्ट में इसको अप्लाई करके देखा है, अगर वो शुरुआती दौर में पता चले, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज इन दोनों स्टेजेस में बहुत ही बढ़िया काम करती है। आप इस्तेमाल करके देखिए, चाहे उसका एलोपैथिक चल रहा है, चाहे दूसरा कोई भी होम्योपैथिक आप दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हाइड्रास्टिस बहुत ही जबरदस्त काम करती है। अब बात आती है अपार्ट फ्रॉम कैंसर और कौन कौन से इसके स्पीयर्स है जो बहुत ही बढ़िया काम करती है। कैंसर के अलावा जैसा कि मैंने कहा, लीवर के लिए भी, स्टमक एब्डोमिनल जो भी प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड, इरोजन से रिलेटेड, जिसे बोलते हैं जीआरडी वाला सिम्टम्स है, एंट्रल गैस्ट्राइटिस हो, आईबीएस का भी प्रॉब्लम हो, इस तरह के जो स्टमक एब्डोमेन और जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी, जहां पर कैटरा बहुत होता है, कैटरल सिम्टम्स मतलब वहां पर इंफ्लेमेशन हो, सूजन आ जाती है, जहां पर कफ पैदा होता है या फिर म्यूकस ज्यादा पैदा होता है और वो म्यूकस की एक पर्टिकुलर जो कीनोड सिम्टम होती है, आप ध्यान से सुनिए, जो कीनोड सिम्टम होती है खास करके वो रोप जैसा जो सूती होती है ना, वो खींचता है पूरा रेशेदार, पूरा जिसे वलगम बोलते हैं, रेशेदार होता है, जैसे कि आपको पता होगा काली बाइक्रोमिकम में भी ये सिम्टम्स होता है। दो ही स्पेसिफिक मेडिसिन होते हैं जिसका वलगम हो, कोई भी म्यूकस ऐसा हो जो रेशेदार खींचता है, वो काली बाइक्रोमिकम में भी हो सकता है और ये दूसरा हाइड्रास्टिस में होता है। तो किसी को कोई भी वलगम आ रहा है मुंह से, चाहे उसका म्यूकस आता है जैसे स्टूल में या उसका यूरिन में भी इस तरह से आ सकता है म्यूकस, अगर वो रेशेदार हो, एक्सकोरिएशन करता है, एसिडिटी उसमें ज्यादा होती है, किसी भी पार्ट को वो छू ले उस जगह पर खुरदरा एक्सकोरिएशन हो जाता है, जैसे कि एसिड डालने पर उस जगह लाल पड़ जाता है, ठीक उस तरह एक्सकोरिएशन बोलते हैं। उसके साथ साथ वो येलो भी हो सकता है, थिक हो सकता है, मोटा सा जो म्यूकस पूरा थिक होता है उसको खींचने पर पूरा सूती जैसा रेशेदार वो बलगम निकलता है, ये उसका खास कीनोट पॉइंट है।
ये आमतौर पर म्यूकस के उस मेम्ब्रेन के काम करता है जहां पर सूजन अंतिम स्टेज में पहुंच जाता है। और मैंने यह भी कहा है कि इस तरह का अगर रेसेदार वलगम ना हो, नॉर्मली अगर ये येलो या फिर ग्रीनिश हो, तो पल्सेटिला कालीसल्फ बहुत ही बढ़िया काम करती है लेटर स्टेज ऑफ इंफ्लेमेशन के लिए, जहां पर शुरुआती दौर में आपको बेलाडोना और ब्रायोनिया बहुत बढ़िया काम करती है, यहां पर हाइड्रास्टिस हो, पल्सेटिला कालीसल्फ बहुत ही बढ़िया काम करती है। सर्दी जुकाम में भी बहुत ही बढ़िया काम देती है, जैसे कि काली बाइक्रोमिकम साइनोसाइटिस का बहुत ही उम्दा मेडिसिन है, जो लेटर स्टेज के जो साइनोसाइटिस है, जहां पर ये साइनस वाले जो जगह होते हैं पूरा दर्द करता है, वलगम निकलता नहीं, जमा हो जाता है वहां पर, सूख जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, छींके बार बार आती है फिर भी वो निकलता नहीं, इसका दर्द कंडीशन हो जाता है, उसके सर में भी दर्द होने लग जाता है। ये तमाम जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही बेहतरीन दवा होती है, काली बाइक्रोमिकम में भी काम करता है, हाइड्रास्टिस में भी होता है। ये जो साइनसाइटिस का लक्षण है वहां पर भी जो वलगम निकलता है नाक से पूरा वो रेसेदार होता है, इसका स्पेसिफिक लक्षण है, जो पर्टिकुलर कीनोड वाले सिम्टम आपको नोट करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन भी मैं बता चुका हूं, काली बाइक्रोमिकम और हाइड्रास्टिस ये दोनों स्पेसिफिक होते हैं लेटर स्टेज ऑफ इंफ्लेमेशन। किसी किसी को जो नाक से पानी बहता है उसमें एसिडिटी, जब मैंने कहा एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो वो छींके इतनी आती है नाक से, इस कदर पानी बहता है कि वो लाल पड़ जाता है एसिडिटी की तरह, उस जगह एसिड छू लेने पर जैसे लाल पड़ जाता है वैसे लाल हो जाता है वो जगह, पूरा थिन डिस्चार्ज भी हो सकता है, ये बार बार छींके भी हो सकती है, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो बेसिकली बात हमने म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर कर रहे थे अभी, लीवर के लिए सबसे बढ़िया काम करती है, अगर आप इसको दूसरे जो मेडिसिन का मैंने जिक्र किया है अपने लीवर कॉम्बिनेशन वाले मदर टिंचर में, चेलिडोनियम चियोनंथस काडास मेरानस कालमेघ और ये हाइड्रास्टिस, अगर इन पांचों दवाइयों को मिला दे आप, कोई भी लीवर से रिलेटेड ऐसी बीमारी नहीं है, अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ा ना हो तो उसको बिल्कुल क्योर कर सकता है। ऐसे लाखों लोग इसका यूज करके इसका फायदा ले चुके हैं, आप भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और इसके खास कीनोट सिम्टम है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फीमेल ऑर्गन्स है वहां पर भी बहुत ही बेहतरीन काम करती है ये दवाई, जहां पर ल्यूकोरिया वाइट डिस्चार्ज होता है वहां पर भी जो रेसेदार वहां पर डिस्चार्ज होता है, येलोइस होता है, थिक होता है, जैसे कि मैंने बोला इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, ये उन चीजों के लिए जहां पर भी चाहे लंग्स में भी हो किसी भी जगह पर उसका पर्टिकुलर जो एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्ज है बहुत ही बढ़िया काम करता है, चाहे वो ल्यूकोरिया हो चाहे लंग्स का जो एक्सपेक्टोरेशन हो, बहुत ही बढ़िया काम करता है ये हाइड्रास्टिस का मदर टिंचर। 10 बूंद दिन में 2 से 3 बार आप यूज कर सकते हैं, थोड़े पानी में मिलाकर यूज कीजिए, बहुत ही जबरदस्त काम करेगा। और जो अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट की नोट पॉइंट है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर हर इंसान में होती है, क्योंकि खान पान की गड़बड़ी के कारण हो चाहे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, हर कोई इंसान में 99.99% जो इंसानों में यह दिखा जाता है। और ये कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए सबसे जो होम्योपैथिक का जबरदस्त दवाई है कैस्करा सग्राडा के बाद हाइड्रास्टिस क्यूब बहुत ही बढ़िया काम करता है, उसको भी अगर आप मदर टिंचर में 20 बूंद दिन में 2 बार करके कंटिन्यू करें थोड़े पानी में, परमानेंटली आप उसका रिलीफ पा सकते हैं कॉन्स्टिपेशन से। कैस्करा सग्राडा की मैंने बात कही थी जो कॉन्स्टिपेशन में वो थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर देता है, मतलब जब तक आप यूज करो तब तक स्टूल क्लियर होगा, जैसे ही आप छोड़ दो फिर आ जाएगा। अगर उसको जड़ से खत्म करना है कॉन्स्टिपेशन को, चेलिडोनियम हाइड्रास्टिस ये कुछ दवाइयां बढ़िया काम करती है। उसके साथ अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जैसे कि लाइकोपोडियम हुआ, केलकिरा कार्ब हुआ, ग्राफाइडिस हुआ, ऐसे कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल करेंगे, सानिकुला है, ओपियम है, अलुमिना है, इनका भी अगर आप बीच बीच में इस्तेमाल करें एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, सबको नहीं लेना है, जिसको जो दवाई मोस्टली सुइटेबल कर सकता है
उसको आप ले सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। सालों साल आपको जो दूसरे एलोपैथिक मेडिसिन या कुछ ऐसे टैबलेट के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हाइड्रास्टिस के बारे में आज हमने जाना, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। कुछ खास जो इंपॉर्टेंट सिम्टम को मैं फिर से रिव्यू करता हूं। कैंसर किसी भी जगह पर क्यों ना हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, कोलोन कैंसर हो, स्टमक कैंसर हो, शुरुआती दौर में अगर है तो बढ़िया काम करता है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। मदर टिंचर में सबसे जबरदस्त काम करता है। 10 बूंद दिन में 3 से 4 बार थोड़े पानी में मिलाकर दीजिए, चाहे कोई भी एसोसिएटेड दवाइयां आप क्यों ना दे रहे हो, बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, आप उसके साथ मिलाकर दे सकते हैं। 30 मिनट से 1 घंटे का फर्क रखिए, यह जरूरी है। दूसरी चीज है लीवर से रिलेटेड हर तरह की बीमारी में बहुत ही जबरदस्त काम करता है यह दवाई, हाइड्रास्टिस क्यू, मदर टिंचर जिसको बोलते हैं। डोज उतना ही रहेगा, 10 बूंद दिन में 3 बार या फिर 20 बूंद दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम लीवर का अगर और भी प्रॉब्लम है। बाकी का जो 4 दवाई मैंने कहा है, चेलिडोनम चेन्नाथस, कार्डस मेराइनस एंड कालमेक, उसको भी आप मिला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कीप शेयरिंग ऑल माई वीडियोस और देखते रहिए शुरुआत से लेकर अंत तक हर वीडियो। आपको जो हर बीमारियों से राहत दिलाने का जो हमने प्रण लिया है, वो आगे और भी ये कारवा जारी रहेगा। ऐसे और भी बेहतरीन वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, तो देखते रहिए ये चैनल मेरे डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी जिसका नाम है, और जो मेरे नए दोस्त हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। जो मेरे पुराने मित्र हैं इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अपने जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वहां पर भी शेयर करना ना भूलिए। बहुत सारे लोगों की आप मदद कर सकते हैं इन वीडियो के माध्यम से, और लाखों लोगों की जिंदगी बच सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट टू ऑल।